अभिनेत्री कियारा आडवाणी जो बॉलीवुड की सबसे बोल्ड अभिनेत्रियों में से एक हैं, उन्होंने हाल ही में सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के कैलेंडर 2021 के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया है। इस फोटोशूट से जुड़ी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर कियारा ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है, जिसमें कियारा टॉपलेस रेत पर लेटी नजर आ रही हैं। हालांकि इस तस्वीर में कियारा का सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है। कियारा की यह तस्वीर उनके फैंस को काफी पसंद आ रही है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी डब्बू रत्नानी के लिए कियारा टॉपलेस फोटोशूट करवा चुकी हैं। कियारा की वो फोटो सोशल मीडिया पर छा गई थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक पत्ते से खुद को ढका हुआ है। कियारा अपकमिंग 3 फिल्मों का हिस्सा है, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शेरशाह, कार्तिक आर्यन स्टारर भूलभुलैया 2 और जुग जुग जियो में अनिल कपूर, नीतू कपूर और वरुण धवन के साथ नजर आएंगी। अभिनेत्री कंगना रनौत सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बेपाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं, पर अब कंगना का एक विवादित बयान उनके लिए परेशानी बन गया है। हाल ही में कंगना की एक पोस्ट पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की गई थी, जिसके कारण अब पासपोर्ट अथॉरिटी ने कंगना के पासपोर्ट रिन्यूअल पर आपत्ति जताई है। कंगना की पासपोर्ट रिन्यूअल की मांग की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 जून के लिए स्थगित कर दिया है। इतना ही नहीं, इस विवाद के बीच कंगना ने बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान का नाम घसीटा है। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, आमिर खान ने भी भारत को असहिष्णुता कहते हुए बीजेपी सरकार को भी अपमानित किया था। उनकी फिल्में और शूटिंग रोकने के लिए किसी ने उनके पासपोर्ट पर तो रोक नहीं लगाई और उन्हें इस तरह टॉर्चर और परेशान भी नहीं किया गया। बता दें कि कंगना इस पोस्ट में 2015 में आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के बयान को लेकर हुए विवाद के बारे में बात कर रही हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि कंगना के इस बयान पर आमिर खान की क्या प्रतिक्रिया आती है। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने गुरुवार को तौकते तूफान से गिरे पेड़ों की जगह पौधारोपण किया। अभिषेक बच्चन ने सानिया सैयद, विश्वास मोटे और मेक अर्थ ग्रीन अगेन मेगा फाउंडेशन की अनुषा श्रीनिवासन अय्यर के साथ मिलकर नीम का पेड़ लगाया। इस दौरान जब अभिषेक से बात की गई, तो उनका कहना था, सबसे पहले तो मैं हमारे पूरे मुंबई के BMC को बधाई देना चाहूँगा कि इतने अच्छा काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये जो अडॉप्ट ट्री जो विश्वास मोटे जी ने शुरुआत की है, इसकी इन्हें बधाई देना चाहूँगा, कॉम्प्लीमेंट्स। जब ये जो तूफान आई थी तो ढेर सारे जो पेड़ थे वो गिर गए थे। अडॉप्ट ट्री एक अच्छी इनिशिएटिव है, जिसमें हमारे जितने भी सिटीजन हैं हम एक ट्री को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसका देखभाल कर सकते हैं, एंड टू प्लांट मोर ट्रीज एंड मेक मुंबई ग्रीन अगेन। इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव और मैं अपना पूरा सपोर्ट, अपने परिवार का सपोर्ट देता हूँ उसमें। आज हमने एक नीम का पेड़ जो है वो लगाया है और यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी फेलो सिटीजन्स हैं वो भी आगे आएं और ऐसे ही काम करें। और अगर एनी एडवाइस के लिए विश्वास मोटे जी को फ़ोन करें, वो ही इज़ वेरी हेल्पफुल। ही इज़ हेल्प्ड अस ड्यूरिंग द टाइफून। हमारे घर के पीछे एक पेड़ जो था वो गिर गया था, तो उन्होंने बहुत मदद की थी हमारी, एंड द BMC हैज़ बीन फैंटेस्टिक थ्रू आउट द लास्ट 1.5 वेरी ट्राइंग ईयर्स। We forget to acknowledge the great work that the BMC and all the frontline workers have been doing. They relentlessly and tirelessly work 24 hours a day so that we can lead a safe life. So many congratulations, but most of all, a big thank you to all the frontline workers and the BMC workers. How does it feel when you come for a social cause? This is also like going green, and there are lots of work you've been doing during the pandemic, like, and the entire family has been doing it. What have you to say for this? I don't like this word social cause. I feel this is our civic duty. When you make it a social cause, it becomes something that you're doing which has got a charitable connotation to it. This is our duty as citizens of Earth. I think to plant more trees is our civic duty. Apart from just the beautification, it has wonderful impact on the environment. I think we're all seeing the adverse effects that global warming is having, and one of the ways around that is to plant more trees and do whatever we can. We're very quick to always ask, what is the government, what are the powers that be doing for us? We always forget to ask, what can we do to be a part of the solution? What can we do to help our government? This is one such initiative. If there is place, please get in touch with your
with your ward officers, with your ward assistant commissioners, like Mote ji is our assistant commissioner in K Ward West. Get in touch, they will guide you. Try and plant as many trees as you can. Be as responsible a citizen as you can. बीएमसी ने तोकते तूफान से उखड़े पेड़ों की जगह नए पेड़ों को लगाए जाने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत उन्होंने आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज को इस अभियान में शामिल किया है। आईएनएस रिपोर्ट।